हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं। आज हम थोड़ा सारे लोग थक गए हैं इसकी वजह से, थोड़ा आज हम लोग कुछ दाल वाली रोटी बनाने जा रहे हैं। और मतलब यहाँ का दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो कैसे बनाते हैं, इसको आप लोग भी यूज करिए, अच्छा लगेगा। तो गाइस चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे कैसे बनेगा। ये देखिए, हमने इसमें दाल दिया है, नमक, दाल, जैसे दाल सिंपली बनाते हैं किसी भी चीज़ का, उस तरह से बनाएंगे इसको। और जब ये पूरा गल जाएगा, जब ये उबलने लगेगा, तो इसमें हम डालेंगे दाल, आटे वाली रोटी। इसको हम आटे की तरह गूंथ लेंगे और फिर इसको गोला गोला, जैसे रोटी का चकला बनाते हैं उसको, ऐसे बना के और फिर इसको इस तरह से बना देंगे। और फिर इसको हम डालेंगे दाल में, उबलते हुए दाल में। अब इसको हम डालेंगे दाल में, ताकि ये भी अच्छे से इसमें हो जाए। सो गाइस दिखाते हैं आप लोगों को, आराम से डालेंगे इसको। इसमें पूरा हम डाल लेंगे एक एक करके। अभी इसको सारा हम इसमें डाल लिए हैं और इसको हल्का सा इस तरह से चला देंगे और इसको हम इस तरह से 15 से 20 मिनट तक इसको उबलने देंगे, ताकि जो रोटी हम डाले हैं ये अच्छे से पक जाए इस पर। ये देखिए, इस तरह से जब पूरा पकने लगेगा फिर इसको देख लेंगे, थोड़ा कड़ा हो जाएगा। बताए थे 15-20 मिनट तक इसको खूब पकाना है डाल के। तब तक हम इसको तड़का लगाने की तैयारी करेंगे और उसमें क्या क्या पड़ेगा हम बताएंगे। ये देखिए, जीरा, लहसुन, मिर्चा, प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक नहीं है फिर भी उसको भी लगा सकते हैं। ये सब तैयार कर लेंगे काट के। देखिए, हम ले लिए कढ़ाई, अब इसमें हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें डालेंगे तेल और जीरा। तेल डालेंगे, अब ये जब गर्म हो जाएगा, इसमें आप लोग पहले अदरक घिस के डाल सकते हैं, उसके बाद जीरा डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें हम लहसुन, जब ये ब्राउन हो जाएगा, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे मिर्चा, प्याज भी डाल देंगे इसमें। ज़्यादा ना चाहिए, हो जाएगा। अब ये जब पूरा ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम इसको डालेंगे। अब ये ब्राउन हो गया, अब इसमें हम डालेंगे, अब लगा देंगे तड़का। अब ये लगाएंगे तड़का हम इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम इसको डाल देंगे। अब इसमें हम लगा दिए तड़का, कुछ देर तक इसको उबलने देंगे, थोड़ा और 5 मिनट तक। ये देखिए, पक गया है। अब ये हो गया है, अब इसको हम बंद कर देंगे गैस को और इसको ठंडा होने देंगे और इसमें धनिया काट के डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से लगेंगे। अब आप जिसको भी देना है, आप लोग इसमें घी डाल के दे सकते हैं। ये निकाल के अब देने जा रहे हैं खाने के लिए। इस तरह से लगेंगे पन्ने के बाद, बहुत अच्छा लगता है ये। अब इसमें आप लोग अपने स्वाद अनुसार घी डाल दीजिए और किसी भी वेजिटेबल के साथ आप लोग इसको खाइए। और खाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, अपने बाबू को खाना दे दिए हैं। कैसा लग रहा है बाबू? सही। अच्छा लग रहा है ना?
ओके गाइस, आप लोग भी इसको खाइए और मतलब अच्छे से बना के खाइए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कैसा बना है। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।